सेट पे जी हमारे दर्शकों को बताएंगे कुछ। हाँ, मैं सबसे पहले सभी भोजपुरी दर्शकों को विनोद यादव अभिनेता का प्रणाम। और मेरी गुंडा फिल्म के बाद और मेरी अब होली की शूटिंग है, बाकी अभी आगे अगले हफ्ते से फिल्म की शूटिंग है, तो आज मैं मुंबई में शूट कर रहा हूँ। जी और अभी आपकी एक हाल ही एक मूवी रिलीज हुई थी गुंडा, जी जो कि बहुत अच्छा सुपर डुपर गया है जी और उसे आपको बहुत नाम भी मिला है। जी अभी फिलहाल अभी सुनने में आ रहा है कोई किस तरह का कुछ है, उसमें धोखाधड़ी हुआ है क्या, उसके बारे में बताएंगे जरा। हाँ, वो मैं आपने एक सही न्यूज़ सुना है। मैं भोजपुरी फिल्म जो गुंडा बनी थी उसका मैं लीड एक्टर था, और मेरे द्वारा, मेरे सपोर्ट की, मेरी टीम के द्वारा उस कंपनी को, सिकंदर खान प्रोडक्शन को 50 लाख रुपए दिए गए थे, उस फिल्म में लगाए गए थे फाइनेंसर के थ्रू, मेरे थ्रू। और उसमें से एग्रीमेंट बना था, और जो एग्रीमेंट था वो जाली था, मतलब वो कोई नोटराइज नहीं कराया था उन्होंने, ना ही कोई उसे रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराया था। एक विश्वास के तौर पे दिया गया और लिखित था कि पैसा वापस किया जाएगा और जो प्रॉफिट होगा 50-50 होगा, और रिलीज़ के बाद पहले आपका पैसा वापस होगा। तो ये सब चीज़ हुआ, फिल्म रिलीज़ हुई, सुपर हिट गई, इंटरनेशनल अवार्ड भी ले आई, और एक सभी ने प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, फिल्म की कमाई भी हुई, यूपी गवर्नमेंट ने सब्सिडी भी पास किया। जी उसके बावजूद भी सिकंदर खान जो प्रोडक्शन के प्रोड्यूसर हैं, निर्माता हैं, उन्होंने पैसे वापस देने के लिए टहलाने लगे। आजकल 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 करते करते 6 महीने बीत गए और पैसा वापसी नहीं किया, जिसमें एग्रीमेंट के अनुसार उनको नोटिस दिया गया। नोटिस में उन्होंने जवाब दिया कि मेरा फिल्म में 1.32 लाख रुपये लग गए हैं घर से, इसलिए मैं पैसा नहीं वापस कर सकता। पहले बिजनेस के लिए पैसा लिया था उन्होंने, फिर नहीं वापस किया, तो उसमें बरेली कोर्ट द्वारा 56(3) में जी नोटिस के थ्रू, उसके बाद कोर्ट द्वारा आदेश किया गया है, उनको FIR दर्ज कराई गई है, धोखाधड़ी 420, और बार बार फ़ोन पे धमकी भी देना, बोलना, अज्ञात लोगों के साथ में हड़काना, ये सब चीज़ें थी, मतलब जी लोअर थिंकिंग थी, लेकिन ठीक है। और जो आदमी बात नहीं बात से बात नहीं बन रही थी तो लीगल जाना पड़ा, मेरी मजबूरी थी, और उन्होंने 50 लाख रुपए मेरे हड़प लिए हैं जो नहीं देना चाहते हैं। और उस चीज़ को, जो मेरा मेहनत का पैसा है, मेरे एक्टिंग का पैसा है, और उन्होंने प्रॉफिट भी कमाया, सब्सिडी भी पास हो गई, ऑडियो वीडियो TV राइट, थिएटर राइट, सेटेलाइट सब बिका, अच्छा फिल्म कमा के दिया उनको। उनके मन में कहीं ना कहीं धोखा था और बेईमानी थी, इससे नहीं देना चाह रहे हैं, नोटिस में जवाब में उल्टा लिख के दिया, और फिर कोर्ट के, तो FI बरेली में, बारादरी थाना में FIR दर्ज है, चार जी सौ बीस 467 468 504 506 323, इस तरह से कई धाराएं संदिग्ध हैं, और उनका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, और जल्दी इसे। फिल्म अभिनेता है विनोद यादव, उसका उसने एक डायरेक्टर को पैसे दिए थे 50 लाख रुपए, और उसमें कोर्ट के आदेश पे इस पर मुकदमा हुआ है, थोड़ी सी जानकारी दे दीजिए। थाना बारादरी पर एक कोर्ट के आदेश से अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसमें जो आरोप लगे हैं वो पैसे के लेन देन के लगे हैं और पैसे लेके वापस नहीं करने के आरोप लगे हैं। कोर्ट के निर्देशानुसार सुसंगत धाराओं में इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है, साक्ष्य संकलित करके इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।